हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एक चीज मेरे लाइफ में जिसने बहुत ही हेल्प किया है पिछले साल से, जिसके वजह से शायद उसका बहुत ही पॉजिटिव या मेन रोल रहा है मेरे लाइफ में। जो भी मैं अभी तक अचीव कर पाया हूँ उसमें इस चीज का बहुत ही मेजर रोल है, और ये वीडियो मुझे बहुत पहले ही डालनी थी। एंड दैट थिंग इज दिस टाइनी चेंज प्लानर प्रो, जो कि मैंने परचेस किया था 2022 वाला भी, अभी मैंने 2023 वाला भी परचेस किया था। मैंने सोचा कि भाई इसके बारे में भी बता देते हैं, आप लोगों का भी कुछ फायदा हो जाएगा। अगर आप उन कैटेगरीज में से बिलोंग करते हो जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो आपके लिए ये हो सकता है वर्क करे। मैं पहले ही बता देता हूँ, नो स्पॉन्सर, नो प्रमोशन, कोई पैसे नहीं मिले। इसको मैंने पर्सनली खरीदा है, पिछले साल भी खरीदा था 2022 वाला। मुझे कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में कि ऐसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। किसी से मुझे पता चला पिछले साल, उनका भी नाम मेंशन करूंगा, बहुत ही फेमस आदमी है वो, सब लोग उनको जानते हैं, हमारे कम्युनिटी में सबसे बड़े बंदे हैं, हमेशा ब्लू में रहते हैं। अब तो समझ ही गए होंगे आप लोग। सो बेसिकली इट्स अ प्लानिंग किट, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। एक काम कर लेते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं क्योंकि उसी में असली जलवे हैं। चलो भाई देखो। अनबॉक्सिंग में देखो ऐसा टाइप का आपको बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आप खोलोगे, इसके अंदर आपको कुछ ऐसा क्यूट्स मिलेगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशन देने के लिए बेसिकली। और दो आपको छोटे छोटे बुकलेट्स मिलेंगे, इसमें एक ग्रिड वाला है, एक लाइन वाला है। इसमें आप डे टू डे टास्क, आप गोल्स अपने लिख सकते हो। इस वीडियो के नोट्स मैंने इसी में बनाए हैं, इसी में से देखकर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, पॉइंट्स बेसिकली। फिर आपको छोटा सा एक मैप टाइप का मिल जाता है जो पीछे लगा देख रहे हो यहाँ पे। हाँ, इसमें आप पूरे साल का प्लानिंग कर सकते हो कि आपको क्या अचीव करना है अपने इस ईयर में। आप गोल सेट कर सकते हो, लिख सकते हो, ऐसे चिपका सकते हो ताकि वो आपके नजरों के सामने रहे, तो समझा। फिर आ जाते हैं मेन माल के ऊपर जो कि है डायरी। इस डायरी में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, आप अपने गोल सेट कर सकते हो इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम लिखोगे इसमें, फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये आपको बताएगा कि कैसे कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5। आप डिटेल में पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन में आप और जानकारी ले सकते हो। फिर इसमें आपको लिखने आएगा कि 2022 से या फिर पिछले साल से, ये आपको पूछेगा कि आप क्या सीखे और क्या नहीं करोगे, क्या नया चीज करोगे वो लिखो। उसके बाद माय ट्रू सेल्फ, अपने बारे में लिखोगे, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, ट्रिकी होंगे, कि एक बार में आपको उनका आंसर देना बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप सोचोगे, थोड़ा फिगर आउट करोगे, अपने ऑनेस्टली सोचोगे, तब आपको आंसर मिल जाएगा। तो आराम से भरना, कोई दिक्कत बात नहीं है। माय अचीवमेंट, ड्रीम्स, गोल्स, ये सब लिखने के लिए आएगा। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि इसका फायदा शायद आपको तभी होएगा, शायद किसी किसी के लिए ट्रू हो सकता है, किसी के लिए नहीं, कि अगर आप मोटिवेशनल बुक या बुक्स पढ़ने में आप पहले से इंटरेस्टेड रहते थे या फिर हॉबीज थी आपकी बुक पढ़ना। एंड सेकंड नंबर पॉइंट इज, अगर आप इस किट को अपने पॉकेट मनी या फिर अपने पैसों से खरीदते हो तब ये ज्यादा काम करेगा। अच्छा, कोई ऐसे ही आपको गिफ्ट कर देगा तो आपको नहीं लगेगा, ये कोने में पड़ा रहेगा पूरे साल भर, ठीक है, आप इसकी तरफ देखोगे भी नहीं, समझ गया। बट अगर अपने पैसों से खरीदोगे और आपको पता है कि इतने दिन बीत गए हैं तो इतना पोर्शन वेस्ट हो गया है या फिर चला गया है एक तरीके से डेट इस डायरी का, तो आपको लगेगा नहीं भाई, मैंने अपना पैसा देके इसको खरीदा है, इसमें कुछ मुझे लिखना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं बोलूंगा कि खरीदना है तो अपने मनी से, पॉकेट मनी से ही खरीदना, अपने पैसों से ही, तब ये ज्यादा मोटिवेशनल वर्क करेगा। यहाँ पे आप अपने कोर वैल्यूज डिसाइड कर सकते हो और यहाँ पे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड कर सकते हो, और उसमें से आपको टिक भी करना रहता है कितना, 10 में से कितने नंबर आप देना चाहते हो अपने अलग अलग टाइप के लाइफ स्टाइल को। और ये आया सबसे मेन बात कि आप यहाँ पे 3 मेजर गोल्स सेट करोगे 2023 या जिस साल के लिए भी आप लेना चाहते हो, प्रोबेबली इसी साल के लिए लोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आप अपने टॉप 3 गोल्स में माइलस्टोन्स भी लिखोगे और कैसे आप अचीव करोगे वो भी यहाँ पे लिखोगे, टॉप 3 मेजर गोल्स इन 2023। और ये एक बार में आप नहीं लिख दोगे, इसको लिखने में कम से कम एक हफ्ते का समय तो आपको लगेगा। मैंने भी 2022 वाला जब लिया था तो एक हफ्ते से ज्यादा लग गया था मुझे इसको फिलअप करने में, शुरू में जो डिटेल्स होते हैं अपने बारे में ऑनेस्टली सोचते हुए। उसके बाद अपने आइडियल डे के बारे में आप लिखोगे यहाँ पे, हर एक दिन आप जो करते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ही जैसा
बनाओ, अपने हिसाब से पेंसिल से लिखना फ्लेक्सिबल। मैंने भी पेंसिल से लिखा था, बाद में चेंज करने का अगर लगता है तो पेंसिल से मिटा के चेंज भी कर सकते हैं। फिर आइडियल डे डिजाइन भी है इसमें, कि अलग अलग कैटेगरी में, मतलब मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट में आप कैसे कैसे अपना डे को बांटोगे, क्या क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी, ऑनेस्टली लिखना। फिर आ जाता है आपका फर्स्ट मंथ का जनवरी का प्लान, जो कि ऑलरेडी जा चुका है, बट स्टिल देयर इज टाइम। फरवरी अभी स्टार्ट हुआ है, आप इस मंथ का गोल लिखोगे, माइलस्टोन लिखोगे, और फिर हर एक दिन में आप मेजर गोल जो भी आप अचीव करना चाहते हो इस वीक में, बेसिकली आप कर क्या रहे हो, 2023 इतना बड़ा चार्ट है पीछे देख रहे हो यहाँ पे, हाँ, उसको आपने तोड़ दिया मंथ्स में, फिर मंथ्स के माइलस्टोन जो आपने लिखे उसको वीक्स में तोड़ दिया, वीक्स को डेज में, डेज को आवर्स में, तो आपको पता रहेगा कि इस टाइम पे मुझे एग्जैक्टली क्या करना है प्रोडक्टिव रहने के लिए। ये डायरी आपसे यही करवाती है, और जब तक आप ऑनेस्ट हो आप इसके हिसाब से चलते जाओगे। जहां पे आप ऑनेस्ट नहीं रहोगे, प्रोकेस्टिनेट करने लगोगे, वहां पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इस काम को इस टाइम पे नहीं किया, इसीलिए ये टाइम मेरा चला गया। तब आपको उसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहां पे खाली जगह पे आगे शिफ्ट करके। फिर हर एक मंथ के लास्ट में क्या आपने किया इस मंथ में, क्या जो आपने लिखा था वो किया, क्या आपने नहीं किया, क्या करना चाहिए आगे मंथ में, और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को पॉइंट्स दोगे। फिर नेक्स्ट मंथ सेम यही चलते जाएगा 12 मंथ्स तक। फिर उसके बाद एंड ऑफ द ईयर सेलिब्रेशन आ जाता है, उसमें आपको लिखना रहेगा अलग अलग चीजें कि क्या आपने अचीव कर लिया, क्या आपने नहीं अचीव किया, और फॉरवर्ड आप कैसे देखते हो 2024 को या अगले साल को। और यहाँ पे आपकी हॉबीज, बिंज वॉचिंग, ये सब बहुत सारी एक्टिविटी है, तो ये आप देख लेना, एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, ये सब भी लिखने की रहती है। साथ में फाइनेंस, कितना आपने स्पेंड किया, कितना आपने अर्न किया, ये सब भी इसमें लिखने का रहता है। और लास्ट में आपको रंग बिरंगे स्टिकर्स भी देखने मिल जाते हैं, आप वहाँ पे चिपका सकते हो जहाँ पे आप लिख रहे हो करंट डेट और मंथ पे, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और लास्ट में यहाँ पे QR कोड मिल जाता है, आप किसी अपने रिलेटिव को भेज भी सकते हो, उसका भी फायदा हो जाए। बट जैसा मैंने पहले ही बताया, दो पॉइंट्स है इसमें, आप अपना पैसा खर्च करके इसको खरीदो अगर खरीदना है तो। अगर आप बुक रीडिंग करते हो और मोटिवेशन बिलीव करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, तब आपके लिए काम करेगा। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो प्रॉपर, हाँ चाहते हो कि प्लान मेरे पास हो, तभी इसे खरीदना, नहीं तो कोने में ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इसका पता मुझे 2021 के एंड ऑफ दिसंबर में मिला था, जब 2022 शुरू होने वाला था, उस समय हमारे मैन इन ब्लू IG इन्होंने 2022 प्लानर प्रो का एक वीडियो डाला था, बहुत ही लंबा वीडियो था, मे भी शायद आधे घंटे से 40 मिनट का था, लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया था उस वीडियो में, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा, और यहाँ पे आई कार्ड में भी होगा, मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं पहले ही बता रहा हूँ, आप जाके वहाँ पे डिटेल में चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है इंडियन गेमर ने। ऐसा नहीं है कि ये आप ले लोगे तो भाई हर हफ्ते जो लिखोगे आप इसमें, अपना शेड्यूल बनाओगे, सारा का सारा पूरा हो जाना चाहिए, नहीं नहीं, मैं भी लिखता था, बहुत सारी चीजें लिख देता था, लेकिन मैक्स टू मैक्स उसमें से 50% ही अचीव हो पाती थी एक हफ्ते में, बट वो 50% भी नहीं होती अगर ये चीज नहीं होती तो। सो थैंक्स टू दिस थिंग टाइनी चेंज प्लानर प्रो, और ये हर साल इसका फॉर्मेट रिवाइज होता है, वो लोग रिसर्च करते हैं और बेस्ट पॉसिबल थिंग आपको देते हैं। सो बाय करना हो इसे तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से बाय करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा एज यूजुअल। मुझे पता है ये PC रिलेटेड कंटेंट नहीं है, बट काम की चीज लगी, उस वीडियो में IG ने भी बोला था कि काम की चीज है इसीलिए बता रहे हैं। सो बहुत ही काम की चीज है, जरूर एक ट्राई देना, एक साल खुद पे इन्वेस्ट करना। लास्टली प्राइसिंग बता देता हूँ, हाँ प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, लेकिन भाई जब इतना ज्यादा पैसा आप एजुकेशन में खर्च करते हो, लाखों लाखों रुपए, तो 1-2 हजार इसमें खर्च नहीं कर सकते क्या? 1800-1900 इसकी प्राइसिंग है, अंडर 2000, एक बार लेके तो देखो एक साल के लिए। एंड एज यूजुअल जाने से पहले फायर गेमिंग को चेकआउट कर लेना, वहां पे ऑसम गेमिंग वीडियोस डालूंगा मैं। अभी रेसिडेंट ईविल 8 स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि रेसिडेंट ईविल 4 का रीमेक भी आने वाला है 23 मार्च को। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। ओके।